प्रिय विद्यार्थियों, छह टाइप अपने दिशा में पढ़े। अब पढ़ रहे हैं टाइप सातवां, दिशा में ट्रेन से संबंधित प्रश्न। तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट आप देखिए, आप मुस्कुराते रहा करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके साथ। पर अभी आप शेयर में काफी किया, काफी कमेंट किए, बड़ा अच्छा लगा। आज तो गुरु की इज्जत बढ़ती जा रही है, 15-15 कमेंट। अब मैं ज्यादा तो क्या बोलूं, विपरीत ही बोलना पड़ेगा। 15-15 कमेंट, लोग मेरे को पड़ोसी आते जाते बोलते रहते हैं, क्या बात है, कमाल है। 15 कमेंट, वो मेरे पास में एक सब्जी वाला, उसके भी 20 कमेंट आए थे। कोई बात नहीं, बेइज्जती है सहन कर रहा हूं मैं, तुम लगे रहो। तुम तो देखो, अभी ध्यान से देखिए। अभी अगर मैं आपको ये बोलूं ट्रेन में धुआं से संबंधित प्रश्न, तो अगर ट्रेन दक्षिण दिशा में जाए, देखो ट्रेन यदि दक्षिण में जाएगी तो ट्रेन हमेशा धुआं को अपनी दिशा से विपरीत में भेजती है। तो ट्रेन ये चाहेगी कि धुआं किधर जाए, उत्तर में जाए। हवा से इसे विपरीत है, अगर हवा दक्षिण में चलती, हवा यदि दक्षिण की ओर चलती है तो हवा यही चाहेगी कि धुआं भी किधर जाए, दक्षिण। देखो हवा यदि पूर्व में जा रही है तो हवा तो अपनी ओर ही धुआं को ले जाना चाहिए, अगर इधर इधर हवा जा रही है तो धुआं को भी वो इधर ही ले जाना चाहिए। लेकिन ट्रेन यदि मान लीजिए पूर्व में जा रही है तो ये धुआं को पश्चिम में भेजे। ट्रेन हमेशा धुआं को विपरीत दिशा में फेंकती है, क्योंकि वायु को पीछे धकेलती है और हवा अपनी दिशा में ले जाएगी, ले जाएगी। तो यहां हमने कॉन्सेप्ट समझा कि अगर ट्रेन दक्षिण में जा रही है तो हवा कहां जाएगा, उत्तर में। इसका अर्थ यह है कि ट्रेन हवा को, हवा से विपरीत कार्य कर रही है, हाँ, कि ट्रेन धुआं को अपनी चलने की दिशा से विपरीत दिशा में फेंकती है या भेजती है, जबकि हवा अपनी दिशा में धुआं को ले जाना चाहती है। अब देखो दोनों में प्रश्न कैसे बनते हैं। तो यहां मैंने एग्जांपल लिया, पहला मैंने बोल दिया, मान लीजिए आपको भी ट्रेन तो जा रही है पूर्व की ओर, ट्रेन तो चल रही है पूर्व की ओर और हवा जो है वो चल रही है उत्तर से दक्षिण की ओर। अब प्रश्न बड़ा लग गया, धुआं बेचारा किधर जाए, बड़ा क्वेश्चन है, धुआं किधर जाए। तो ट्रेन पूर्व में जा रही है, दिशा का डायग्राम देखिए, ट्रेन जा रही है पूर्व में, तो ट्रेन चाहेगी कि धुआं किधर जाए, पश्चिम। ये डेस डेस मतलब धुआं है, धुआं लिखी होती है। ट्रेन किधर जा रही है पूर्व में, तो ट्रेन तो अपने विपरीत में जाना चाहेगी, तो ट्रेन बोल रही है भैया धुआं तो पश्चिम में जाए और हवा उत्तर से दक्षिण की ओर, तो हवा इधर से आ रही है, उत्तर से आ रही है, तो हवा चाहेगी दक्षिण की ओर जा रही है, तो हवा चाहेगी कि धुआं भी किधर जाए, दक्षिण की ओर ही जाए। तो हम इनके बीच का मार्ग निकालें, ट्रेन जा रही है पश्चिम में और हवा जा रही है दक्षिण में, इसलिए धुआं इनके बीच में आएगा, किस दिशा में, दक्षिण पश्चिम दिशा। हवा आएगा किधर, दक्षिण पश्चिम दिशा, सही है। अब इसके बाद अगर इसको हम थोड़ा आगे देखें, क्वेश्चन और चेंज करें थोड़ा सा। मान लीजिए मैंने आपको ये कहा कि ट्रेन जा रही है, ट्रेन जा रही है उत्तर की ओर, हवा भी उसी वेग से उत्तर की ओर, तो धुआं किधर है। तो आप देखोगे अभी ट्रेन जा रही है उत्तर में, तो ट्रेन जाएगी कि धुआं किधर जाए, दक्षिण। ट्रेन उत्तर की ओर जा रही है, तो ट्रेन उत्तर में जा रही है, तो ट्रेन जाएगी कि धुआं किधर जाए, दक्षिण। हवा उत्तर की ओर चल रही है, तो हवा जा रही है कि उत्तर की ओर जाए। अब यहां बीच का रास्ता नहीं निकलेगा। अब देखो यहां स्थिति कैसे बदल रही है, यहां स्थिति ऐसे बदल रही है जैसे ट्रेन के ऊपर से धुआं निकला, एक कोरा इधर जा, एक कोरा इधर जा, ये धुआं का जो स्लोप है थोड़ा ऊपर उठता हुआ नीचे जाता है, ऊपर जाकर तो दिखा नहीं। देखिए जो हवा की प्रारंभिक दिशा है वो क्या है, तो दोनों तरफ से दबाव है। जैसे ट्रेन ने इसको बोला इधर जा, हवा बोल रही है इधर जा, तो इसका जो स्लोप है ये ऊपर बनेगा, ऐसे ऊपर की तरफ, कुल दिशाएं दस होती है। तो
तो यहां इनके बीच की दिशा मत देखना। देखो इस प्रक्रिया से बदलिए, विद्वान को बता दूं कि एक तरफ इधर से वायु का दबाव है, एक तरफ इधर से वायु का दबाव, वेग हमने बराबर बोला है, नहीं तो मान थोड़ा इधर चला जाता, इधर चला जाता तो होता तो ऊपर ही, लेकिन अब दोनों तरफ बराबर है, अब दोनों तरफ से ऐसे बराबर वायु लगती जाएगी तो हवा का धुआं का जो स्लोप बनेगा वो बनेगा ऊपर की ओर। इसलिए हम इस प्रश्न का आंसर देंगे कि धुआं किस दिशा में जाएगा, तो हम बोलेंगे ऊपर की दिशा में, धुआं किस दिशा में जाएगा, ऊपर की दिशा में। और कई बार आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट बात सुन लेना, क्या जगह पे बैठे हुए बातें है ना बहुत अच्छी लगती है सारी, और सब कुछ समझ में भी आ जाता है, एग्जाम के टाइम पे दिक्कत आता है, काफी बार ये प्रश्न पूछा गया है, हालांकि क्वेश्चन बेसिक होता है, आपको ये पूछा जाए विद्युत ट्रेन या इसी को एक बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन, या बोलते हैं चुंबकीय ट्रेन, चुंबकीय भी ट्रेन होती है, अभी चाइना में चली, चाइना में चली नॉलेज पूरा है क्या, मैं मोदी जी बाहर घूमते विद्युत ट्रेन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन, तो विद्युत ट्रेन बोले या इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन बोले या चुंबकीय ट्रेन, तो प्रश्न में आपको पजल करना चाहेगा कि भाई एक ट्रेन उत्तर से, एक विद्युत ट्रेन उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है, हवा पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है, धुआं किस दिशा में जाएगा, तो इनका आंसर में वो ये नहीं बोलता कि धुआं नहीं फेंकते, वरना तो जिसको ना समझ में आएगा वो भी उस ऑप्शन को देख के समझ लेगा, वहां ऑप्शन क्या आता है दक्षिण पूर्व उत्तर पश्चिम, इनमें से कोई नहीं, तो आप दिमाग में रखें यदि विद्युत ट्रेन आ गया या इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन आ गया या चुंबकीय ट्रेन आ गया तो आप ये याद रखें कि ये धुआं नहीं फेंकती है। तो दिशा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं इसकी आपको पीडीएफ फाइल भी उपलब्ध कराऊंगा, जो माइंड कोचिंग क्लासेस सीकर के नाम से फेसबुक पेज है उस पर पीडीएफ फाइल की वगैरह अवेलेबल आपको करवाएंगे, इसकी क्वेश्चन वगैरह भी कुछ मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगा, जो बच्चे व्हाट्सएप पे उनको व्हाट्सएप से वरना पीडीएफ से, व्हाट्सएप पे जैसे नंबर अगर 96 10 12 86 83 अपने माइंड कोचिंग जो 96 10 12 86 83 व्हाट्सएप पे जुड़ा हुआ है उनको व्हाट्सएप पे वीडियो का लिंक तो भेजता ही हूँ, उस पर जो ऐड है ऑलरेडी उन सबको वीडियो का लिंक इसको भेजता हूँ, और कुछ क्वेश्चन वगैरह भी इसमें भेजे जाएंगे, और इस पर नहीं जुड़ना चाहता कोई तकलीफ नहीं है, मैं जब जब भी पीडीएफ फाइलें अपलोड करूंगा आपको बता दूंगा, तो माइंड कोचिंग क्लासेस सीकर के नाम से फेसबुक पेज बना हुआ है उस पर मैं आपको बता दूंगा, अभी डाउनलोड अभी उस पर नहीं डाला क्योंकि आप उस पर नहीं ले सकते, अभी जल्दी ही डाला जाएगा, क्योंकि मेरी एक कोशिश है कि मैं कुछ ऐसा करूं कि व्यक्ति लास्ट में जाके माने ही कि यार अपना ये व्यक्ति जो है कुछ तो कर रहा है, कि ऐसे नहीं कि सब अपने लिए ही कर रहा है। देखो मैं ये चाह रहा हूं कि आप जो वीडियो वगैरह देख रहे हैं बच्चे उनको ऐसा लगे कि हमारे पास कोई है जो हर वक्त अपनी सुन सकता है, अपने टॉपिक की बात सुन सकता है, हम कभी भी बैठ के किसी चीज को देख सकते हैं, इसी उद्देश्य से मैंने यूट्यूब में माइंड कोचिंग सीकर के नाम से चैनल बनाया, तो ठीक है इसमें जो जो रिक्वायरमेंट कभी टाइम मिला बनाते जाएंगे, हालांकि इस 1.5 महीने में इसमें काफी ज्यादा वर्क करने वाला हूँ, ये तो क्या थोड़ा सा डेमोलाइज हो जाते हैं व्यक्ति, थोड़ा सा मैं हताश सा हो जाता हूँ, क्योंकि क्या होता है कि मेरी जैसे खुद एक तैयारी इतनी कुछ वगैरह है, हालांकि मैंने इसमें बहुत कम टाइम हुआ, धीरे धीरे बढ़ेंगे गति, तो लोग तो मेरे को सर बहुत तेजी से इसमें सब्सक्राइबर वगैरह बढ़े और मेहनत में आपके लिए बराबर साथ हूं।